तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 110cc जो कि 6G मॉडल है। ये आप देख सकते हो, लाइक इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं LED वाले मिरर हैं, लाइक इस तरफ भी इंडिकेटर और इस तरफ भी इंडिकेटर के अंदर जो हैलोजन बल्ब आता है उसको हटाकर यहाँ पर बड़े वाले LED बल्ब इंस्टॉल कर, वो देख सकते हो आप इस तरफ से, और आप दिखाते हैं आपको इस तरफ से इसका जो हेडलाइट का हैलोजन बल्ब आता है उसको हटाकर यहाँ पर LED बल्ब इंस्टॉल कर रखा है। ये देख सकते हो गाइस, इसकी फोकस और इसकी ब्राइटनेस भी आप देख सकते हो, और यहाँ मीटर पे आप देख सकते हो जो कि ब्लू कलर की रैपिंग करता है, पर LG की ओरिजिनल मिनी ड्राइव से फॉग लैंप्स कहते हैं वो भी, फोकस आप इसका अपने आप नीचे ऊपर कर सकते हो किस हिसाब से आपको चाहिए, इस तरह का आपको लुक मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और आज की वीडियो में मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूं होंडा एक्टिवा 6G, और ये है 110cc की, और इसमें करने वाले हैं काफी यूजफुल मॉडिफिकेशन। लाइक अगर आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन कराते हो तो आपकी स्कूटी में, और अगर आप बाइक में कराते हो तो आपकी बाइक में एक अलग ही लुक आ जाता है गाइस। और तो गाइस आज हम ऐड करने वाले हैं एक्टिवा 6G में मिरर LED वाले, यानी कि इसमें इंडिकेटर का भी काम करेंगे और ये मिरर का भी काम करेंगे गाइस। इसके अलावा फॉग लाइट, हैजार्ड सिस्टम, LED बल्ब और छोटे मोटे ग्राफिक्स के जैसे काम हो गए, और इसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरीज इस पे आप ऐड कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको स्कूटी की सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपके पास एक्टिवा हो, वर्कमैन हो, या फिर आपके पास कोई भी स्कूटी हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, चैनल को लाना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ होंडा एक्टिवा 110cc जो कि 6G मॉडल है। ये आप देख सकते हो 6G, और इसको किया है काफ़ी हद तक मॉडिफाइड, ये आप देख सकते हो, लाइक इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं LED वाले मिरर जिसमें आपको ड्यूल साइड इंडिकेटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक इस तरफ भी इंडिकेटर और इस तरफ भी इंडिकेटर, और लुक कुछ इस तरीके से आता है नॉर्मल, यानी कि शीशे का भी काम करता है प्लस आपका जो है इंडिकेटर का भी काम कर सकता है। अगर हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं और गाइस इसमें ना सिमटेक का हज़ार सिस्टम डाल रखा है जिसमें आपको 40 से 50 तरीके के डिज़ाइन मिल जाते हैं, यानी कि ये जो इंडिकेटर जो बिलिंग कर रहे हैं ना 40-50 तरीके के चलते हैं, ये देखो गाइस। और इंडिकेटर के अंदर जो हैलोजन बल्ब आता है उसको हटाकर यहाँ पर बड़े वाले LED बल्ब इंस्टॉल करें जिसमें एक LED बल्ब के अंदर कम से कम 50-60 तरीके के छोटे छोटे बल्ब इंस्टॉल हैं, जिसका फोकस अभी दे सकते हो। दिन के समय भी इसका विजिबिलिटी कितनी है, रात के समय में एक अलग ही लेवल का इसका लुक हो जाता है। बाकी जो LED मिरर थे वो देख सकते हो आप इस तरफ से, और आप दिखाते हैं आपको इस तरफ से, ये देखो, यानी कि जो आपका पीछे वाला राइडर है और जो आपके सामने वाला राइडर है उसको पता चलेगा कि बंदे ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है, ये देखो। और गाइस का जो हेडलाइट का हैलोजन बल्ब आता है उसको हटाकर यहाँ पर LED बल्ब इंस्टॉल कर रखा है, ये देख सकते हो गाइस, और इसको अगर ऑन करना हो, ये देख सकते हो गाइस, इसकी फोकस और इसकी ब्राइटनेस भी आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा विजिबल है, जैसे जैसे रात होती रहेगी इसकी जो है विजिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो इसको कर देते हैं ऑफ़, और ऑफ़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं लगाया, ये देखो यहीं से इसको आप नॉर्मली ऑफ कर सकते हो। और यहाँ मीटर पे आप देख सकते हो जो कि ब्लू कलर की रैपिंग कर दी है, जैसे ऐसा लगेगा नहीं रैपिंग है, ऐसा लगेगा एक कंपनी से ही वर्क किया गया है, ये देखो गाइस। यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर इंस्टॉल किया गया है जो कि मेटल में है, बहुत ही हैवी क्वालिटी का, जितना महंगा आप चाहे उसमें फ़ोन लगा लो फ़ोन नहीं हिलता, आप इसको किसी भी एंगल में एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से रोटेशन करके, प्लस इसके अंदर चार्जर भी है, ये देखो ये इसकी लाइट जल रही है, और ये है वाटरप्रूफ, इसका कवर हो गया, और यहाँ से आप लूज़ करके अपना फ़ोन लगा सकते हो गाइस। यहाँ पर LG की ओरिजिनल मिनी ड्राइव से फॉग लैंप्स कहते हैं वो भी इंस्टॉल्ड है, ये भी मेटल के हैं, और ये भी जो है आपके वाटरप्रूफ है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है फैन, जिससे क्या होगा जैसे जैसे ये गर्म होती रहेगी वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली कूल होती रहेगी, यानी कि ठंडी होती रहती है गाइस। और इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर एक 2-in-1 स्विच लगाया है, यानी कि 2-in-1 लाइट और 2-in-1 स्विच, यानी कि एक लाइट से आप येल्लो भी चला सकते हो और वाइट भी, और स्विच भी सेम है, देखो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो ये वाइट रहा और ये रहा इसका येलो, फोकस आप इसका अपने आप नीचे ऊपर कर सकते हो किस हिसाब से आपको चाहिए। और बेसिकली जो फॉग के समय में ना येलो फॉग को काटने का काम करता है और एक्सीडेंट के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, दूर से कुछ इस तरीके का लुक आता है, देखो गाइस, और कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलने वाला है, ये देखो। और यहाँ पर मेटल प्लस रबड़ की ये देख सकते हो, यहाँ पर ग्रिप इंस्टॉल है जो कि बहुत ही यूनिक से और काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है, इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से देखते हो कुछ इस तरीके का इसमें लुक मिलता है आपको। और यहाँ पर एक्टिवा का मैट भी इंस्टॉल किया गया है जो कि कुछ इस तरीके का आपको लुक दे रहा है गाइस, फ्रंट कुछ इस तरीके का है। मैं एक बार आपको हल्का सा इसका बैक लुक दिखाता हूँ कि बैक कैसा लुक है। और गाइस बैक साइड में यहाँ पर एक ना ब्लिंकर लगा रखे हैं, ये देखो जैसे ब्रेक लगाते हो ना आप, ये देखो गाइस, तो ब्रेक पर ही ऑटोमेटिकली इसके पैटर्न चेंज होते रहते हैं, और ये डायरेक्ट जो आपका पीछे राइडर आता है उसको पता चलता है कि हाँ बंदे ने ब्रेक लगाया, ये देखो, क्योंकि इसके फोकस में और इसके फोकस में बहुत ज़्यादा फर्क है, प्लस
इसमें जो पैटर्न है ना, जिससे कि बंदे का अगर ध्यान कहीं और भी होता है डायरेक्ट स्लाइड पर पड़ता है गाइस। ये हो गया, हो गया। बाकी जो आपके एलईडी बल्ब थे वो पीछे भी इंस्टॉल करे गए सेम टू सेम। ये देखो फोकस और ब्राइटनेस आपके सामने है। और गाइस ये थी आपकी होंडा एक्टिवा जो कि 110 सीसी की है, ये 6G मॉडल है। मॉडिफिकेशन दिखाई है, ये काफी यूजफुल मॉडिफिकेशन है, इसे आप फैंसी भी कह सकते हो प्लस आपके यूज के हिसाब से भी है गाइस। और अभी तक मेरे पास इसकी वीडियो थी भी नहीं, बाकी सारी वीडियो मैं आप डाल चुका हूँ, वीडियो पे चेकआउट कर लेना। बाकी आपके पास चाहे एक्टिवा हो, वर्कमैन हो, एंटोर्क हो, या आपके पास कोई भी स्कूटी का मॉडल हो, आप ये सेम टू सेम एक्सेसरीज ऐड कर सकते हो, बहुत सारी एक्सेसरीज पे और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसका सीट, अभी फिलहाल सीट कवर है, जो इसका सीट आएगा ना वो आएगा क्रूजर सीट, तो वो भी इस पर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। और गाइज ये थी आपकी होंडा एक्टिवा 6G 110 सीसी वाली, यानी कि 110 सीसी। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है शॉप पर आने के लिए कि शॉप पर कैसे आएँ, एड्रेस क्या है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा एक थोड़ा सा लैंडमार्क जहां पर आने के बाद आप इजीली शॉप पर आ सकते हो। तो मैं आपको शुरू करता हूं दिखाना, अदरवाइज़ आप देख सकते हो मेरे पीछे लगा है बोर्ड, बट मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में।